हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें पता है यूजीसी नेट की आंसर की रिलीज हो चुकी है, बट जो आंसर की यूजीसी ने रिलीज की है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो हम इस वीडियो के थ्रू उस आंसर्स की को सिंप्लीफाई करेंगे सो दैट आप अपने आंसर्स को इवेलुएट कर पाएँ। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करके आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप उसको समझ पाएँ। चलिए तो हम एक एक करके आंसर देखना शुरू करते हैं। बट अगर आपको कॉमर्स और HRM की वीडियोस भी चाहिए आंसर की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट कि हम जब भी अपलोड करें तो आपको आंसर की मिल जाए। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन के अंदर कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे सो दैट हम उसके आंसर को समझ पाएं। यहाँ पे बोला कि कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और वहाँ से उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है उनकी डिस्कशन के बेसिस पे, और एक सर्वे कराया जाता है। तो यहाँ पे जब भी एक्सपर्ट को बुलाना, सर्वे कराना, ये सारी चीज़ें एक टेक्निक से रिलेट करते हैं जिसको बोलते हैं डेल्फी टेक्निक। तो इसका आंसर थर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन निकालनी है, जो कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं, डी वन अपॉन में के ई माइनस जी, और आपको इसको इक्वल दे रखा कितना 50 रुपीज़। सो अगर आप इसके अंदर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 14%। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में बोला गया है इसके अंदर से कौन सी चीज़ एक्सटर्नल फोर्स का पार्ट नहीं है, तो चेंज इन लीडरशिप एक्सटर्नल का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। हमें फॉरवर्ड प्राइस निकालना है, तो देखिए फॉरवर्ड प्राइस का फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्लस स्टोरेज कॉस्ट माइनस इनकम। तो देखिए स्पॉट प्राइस अगर आपको दे रखा है इसके अंदर 70 प्लस इंटरेस्ट आप निकाल देंगे 6% ऑफ 70 प्लस डिवाइड बाय 12 करेंगे क्योंकि वन मंथ का चाहिए आपको, प्लस स्टोरेज कॉस्ट आपको देखा 0.6, इनकम 0 है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70.95। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आकर मॉडल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आकर मॉडल के अंदर आपसे पहले तो पूछा द कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी इज ब्रांड आइडेंटिटी दैट रिप्रेजेंट व्हाट इज ब्रांड स्टैंड फॉर एंड प्रॉमिसेस टू द कस्टमर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोर आइडेंटिटी इज मोस्ट लाइकली टू चेंज। देखिए कोर आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती कंपनी की, चाहे वो किसी भी मार्केट में एंटर कर जाए। तो इसके अंदर स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अ लार्ज फर्म ऑपरेटिंग ओवर वाइड ज्योग्राफिकल एरिया कैन स्पीड अप इट कलेक्शन बाय, तो कंसंट्रेशन बैंकिंग के थ्रू स्पीड अप की जाती है कलेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो यहाँ पे सर्विसेज के कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, तो सर्विस के कैरेक्टर्स होते हैं इंटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल एंड पेरिशेबल। देखिए टचेबल नहीं होते सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो यहाँ पे FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स कौन निकालता है, 80 कैरनी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तो यहाँ पे फिजिबिलिटी एनालिसिस का प्रोसेस पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जाती है, फिर प्रोडक्ट फिजिबिलिटी, फिर इंडस्ट्रियल फिजिबिलिटी और फिर ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी। तो इसका प्रोसेस है 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो इसके अंदर से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं है, तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर लॉयल्टी, बोथ आर सेम कंसेप्ट। तो ये कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और कंज्यूमर लॉयल्टी सेम कंसेप्ट नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। सो इसका ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आज की जनरेशन जो कि प्रोफेशनली कम्पिटीट करने के लिए 7 days a week काम कर रहे हैं, तो ये किस टाइप के लेबर्स हैं, तो वो उनको बोला जाता है विलिंग स्लेव्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो यहाँ पे ERP सिस्टम का कौन सा मॉड्यूल नहीं है, तो देखिए एक SEP ERP सिस्टम है, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स दिए गए, तो उसमें कॉर्पोरेट मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 के अंदर आपको बी का मार्केट प्राइस और EPS गिवन है और ए बी को एक्वायर कर रही है, तो आपको ए का निकालना है पी रेशियो। तो इसका अगर आप ए का पी रेशियो निकाल देंगे तो वो आएगा 6। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस अपॉन में EPS। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखिए 14 में पूछा गया कौन सा इसमें से सोशल सिक्योरिटी लेजिग्लेशन नहीं है, तो वेजिस एक्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिग्लेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सो इसमें बोला गया स्टेटमेंट 1 कहती है कि बिजनेस के केवल 2 ही फंक्शन होते हैं, मार्केटिंग एंड इनोवेशन, क्योंकि यही रिजल्ट लेके आते हैं, बाकी सारी कॉस्ट होती हैं, तो ये ट्रू है। सेकंड है कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है उन्होंने कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और एट लोअर कॉस्ट। सो देखिए हमें लोअर कॉस्ट पे तो प्रोड्यूस करना है लेकिन उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो इसमें से कौन सा सर्वे मेथड नहीं है, तो सर्वे मेथड कौन सा नहीं है, ग्राफिकल मेथड। अगला पूछा गया है कि इसके अंदर से कौन सी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्वीन ने दी थी, तो देखिए ये पहली, 3rd and 4th इनको दिया था हेनरी मिंटबर्ग ने और सेकंड को दिया था क्वीन ने, तो इसका ऑप्शन है 2nd। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। ब्लासा इंडेक्स क्या होता है, देखिए ब्लासा इंडेक्स होता है रिलेटिव ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंट्री इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी में कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा एफिशिएंट है, उसका इसको हम ब्लासा इंडेक्स से मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं।
पर्ट और सीपीएम की करेक्टर्स पूछे गए हैं। तो देखिए, पर्ट होता है प्रोबेबिलिस्टिक और सीपीएम होता है डिटर्मिनिस्टिक। तो इसका ऑप्शन है ए। एंड पर्ट फोकस प्राइमरली ऑन द टाइम एलिमेंट एंड अटैचेस लेस सिग्निफिकेंट टू द कॉस्ट, ऑन द कंट्रेरी सीपीएम पुट्स स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द कॉस्ट। सो इसका ऑप्शन ए एंड सी है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है, लाइनस एक वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, तो इसमें पूछा गया आपसे कि एक एयरलाइन जो है अपने पैसेंजर्स को वेट करने के लिए एक लाउंज दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे ये किस टाइप की मार्केटिंग है? तो देखिए, ये डिफरेंशिएशन थ्रू स्पेशल कंस्टिट्यूएंट क्रिएट कर रही है, कुछ स्पेशल कंस्टिट्यूएंट दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाए इंडस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 पे अंदर आते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर किस चीज़ को हमें रिमूव करना होता है, तो हमें डॉग को रिमूव करना होता है। अगला है क्वेश्चन 23, नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च किया, तो उन्होंने लॉन्च की है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या कहता है? तो देखिए, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट कहता है कि अगर आपकी डोमेस्टिक कंट्री का इन्फ्लेशन अगर इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट के इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन फिक्स असेट्स इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इसे देखिए ये सोर्स ऑफ फंड है लिमिटेड सेंस में, प्योरली सोर्स ऑफ फंड नहीं है ये। सेकेंड है, ये एड बैक कर दिया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, सो इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, तो अगर मोनोपोली फर्म के अंदर MR इक्वल टू MC है और AR इज ग्रेटर देन AC है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है फर्म को, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, यहाँ ऊपर पैराग्राफ दे रखा है तो हम इसको केवल यहाँ से ही देख लेते हैं, आइडेंटिफाई जॉब्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज। अगर किसी भी चीज़ के लिए हमें जॉब्स और ड्यूटी को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जॉब एनालिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, देखिए अगर कह रहे हैं कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे ट्रैवल पे कहीं जाने के लिए व्हाट्सएप पे, तो देखिए वहाँ पे ऊबर का पॉपअप आ गया, तो देखिए ये पॉपअप जो एडवर्टीजमेंट होती है ये कंटेक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होती है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आता है, टू पॉइंट अप्रोच ब्रेक डाउन द अर्निंग पावर ऑफ शेयर होल्डर इन थ्री पार्ट्स, तो उसमें उसके तीन पार्ट के क्या क्या नाम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, टोटल असेट टर्नओवर एंड इक्विटी मल्टीप्लायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, तो ये इसमें से कौन सा इंटीग्रल पॉलिसी का पार्ट नहीं है फॉर्म की, तो देखिए क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन पॉलिसी तो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन क्रेडिट रेटिंग किसी और के थ्रू करवानी पड़ती है, उसे आउटसोर्स करना पड़ता है, तो ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट बाय डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज़ नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको FDI भी बोला जाता है, FDI और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कोई ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ के करियर को, स्किल्स को डेवलप करते हैं, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं, सो दैट वो इफेक्टिवली काम कर पाएँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं करियर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी बुक में 100 मिसप्रिंट है और 100 पेजेस हैं और कोई एक रैंडम पेज उठाया जाए तो उसके अंदर कितने मिसप्रिंट के चांसेस हैं, तो उसका होगा 0.736। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि अगर कंपटीशन को ड्राइव आउट करने के लिए आप प्राइसिंग को बहुत लो कर रखते हैं तो ये किस टाइप की प्राइसिंग पॉलिसी है, तो उसको बोलते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। अगला है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आया गया था, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, MM हाइपोथेसिस के अंदर क्या क्या एजम्पशन थी, तो देखिए उन्होंने एज्यूम किया था कि इन्वेस्टर रैशनल होगा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो टैक्सेस एंड 100% पे आउट, नॉट 100% रिटेंशन, तो इसका ऑप्शन है ए बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, मुद्रा एक NBFC सपोर्टिंग डेवलपमेंट स्कीम है जिसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकेंड है, इसके अंदर स्कीम्स के तीन नाम रखे गए हैं, देखिए शिशु, किशोर एंड तरुण, सो ये भी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सो इसका आंसर होगा थर्ड, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द वॉर ऑफ द टैलेंट वॉज कॉइंड बाई मैकिन्जी। क्वेश्चन नंबर 39, सिंगापुर एयरलाइंस ऑफर पर्सनलाइज सर्विस एट एयरपोर्ट, सो इसको क्या बोलते हैं, किस टाइप की ब्रांडिंग है ये, एक्सपीरियंस ब्रांड, सो दैट कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो और उनकी ब्रांडिंग अच्छी हो पाए। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, इसमें से कौन सा कॉपरेटिव बैंकिंग का पार्ट नहीं है, तो इसमें रीजनल रूरल बैंक कॉपरेटिव बैंकिंग का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, हमें इसके वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला होता है डी प्लस आर अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, मार्केट प्राइस हमें निकालना है, तो अगर हम इसके अंदर सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 179.20।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द एथिकल डिसीजन सेम जॉब सेम वेज, तो इसके अंदर आता है यूटिलिटेरियनिज्म, तो इसका ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 पे आता है डाटा स्क्रबिंग। देखिए डाटा स्क्रबिंग का मतलब होता है जब भी वेयरहाउस में डाटा भेजना होता है तो उससे पहले उसकी क्लीनिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं डाटा स्क्रबिंग। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, सो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को हेल्प करता है, तो उसको उसको बोलते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ मेथड ऑफ सेटलमेंट कौन से एक्ट के अंदर गिवन है, तो इसको बोलते हैं टाफ्ट हार्टली एक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, इसके अंदर मैच करने के लिए कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको मैच कर देते हैं। देखिए ए का है इसके अंदर थर्ड इनएक्सपेंसिव, बी का है सेकेंड, सी का है फोर्थ एंड डी का है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऐसी एम्प्लॉय स्किल्स नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज जो कि बैलेंस शीट में नहीं शो की जाती लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्प करती है, तो कौन सी चीज़ होती है वो, ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 48, जॉन डनिंग आर्ग्यूड दैट एफडीआई इज अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द यूनिक एडवांटेज ऑफ, कौन सी यूनिक एडवांटेज होनी चाहिए, ऑनरशिप लोकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन। द रेशियो बिटवीन कस्टमर प्रीसीव्ड बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज दे यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स इज नोन एज कस्टमर वैल्यू। देखिए आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं और आपको उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 50, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, येस ट्रू, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंडिस्पेंसिबल टू रेजिलियंट एंड वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, अ फर्म कंपटीटिव एडवांटेज ओवर इट्स कंपटीटर इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द, देखिए अगर फर्म का कंपटीशन हमें देखना है तो इसके अंदर हम देखेंगे हमारा विलिंगनेस टू पे जो कस्टमर का होगा और विलिंगनेस टू सेल जो सेलर का होगा, ये दोनों कंपटीटर के विलिंगनेस टू पे एंड सेल से ज़्यादा होना चाहिए सो दैट हमारा कंपटीटिव एडवांटेज बना रहे, सो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, सो अगर हमारा बजटेड प्रोडक्शन से कम है एक्चुअल प्रोडक्शन तो हमारी कौन सी कॉस्ट कम होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, जीएनपी और जीएनआई दोनों इक्वली होते हैं, सो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन गिवन है जो कि रॉन्ग है, सो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, तो इसमें से कौन सा सॉफ्ट लोन विंडो कहा गया है वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी को वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो कहा गया। सॉफ्ट लोन क्या होते हैं, जो कि बहुत ही कंसेशनल लोन्स होते हैं, यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी लिबरल होती हैं, और हार्ड लोन्स होते हैं जिसके टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टर्स पूछे गए हैं, तो इसमें एन नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और सबके इक्वल आउटकम होते हैं आने के, और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आउटकम्स डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स कॉन्स्टेंट रहती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इसका आंसर होगा ए बी डी दैट इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, इसको मैच कर लेते हैं, ए का है इसमें फोर्थ, बी का है फर्स्ट, सी का है सेकेंड एंड डी का है थर्ड, सो इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए पोर्टफोलियो थ्योरी फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन टू रियलिटी में कौन लेके आया था, विलियम शार्प। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हमें दो नॉमिनल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन चेक करना है तो हम कौन से टेस्ट लगाएंगे, तो देखिए नॉमिनल वेरिएबल होते हैं कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल होता है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा में कौन सा लगता है, काई स्क्वायर टेस्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा, काई स्क्वायर। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन प्राइजेस आर राइजिंग लीफो प्रोड्यूसर्स, देखिए अगर मान लीजिए प्राइजेस राइज हो रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो लीफो की वजह से क्या होगा, जो रॉ मटेरियल मंगाएंगे वो महंगा आएगा, और महंगा वाला रॉ मटेरियल ही आएगा और महंगा वाला ही जाएगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, सो अगर महंगा वाला रॉ मटेरियल ही जा रहा है प्रोडक्शन के अंदर तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, और जो पहले का रॉ मटेरियल बचा हुआ है वो सस्ता है क्योंकि बाहर से अब महंगा आ रहा है, सो यहाँ पे लोवेस्ट इन्वेंट्री हो जाएगी, इन्वेंट्री सस्ती पड़ी है हमारे पास और कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फ्लो हाई हो जाएगा, तो इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, सो जो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दी गई थी 1950 के अंदर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फिक्स किया गया था, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, कौन से अप्रोच के अंदर मैनेजर पिक करता है द कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज सेटिस्फैक्ट्री और गुड इनफ अंडर एनी सर्कमस्टांस, सो इसके अंदर बाउंडेड रैशनैलिटी अप्रोच लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, हमें आपको यहाँ पे बीटा फाइंड करना है, तो बीटा फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू बीटा, सो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे सो आपका आंसर आएगा 1.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, देखिए इसके अंदर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता करना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पता करने के लिए आपको इसके अंदर पहले पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स
और उसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे जो कि होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। देखिए कंट्रीब्यूशन आपका आएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको सेल्स कुछ गिवन नहीं है तो आप उसको 100 एज्यूम करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% है सो यहाँ पे है 60, तो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा 40 और सेल्स आपकी है 100, सो 40/100 तो पीवी रेशियो आपका कितना आएगा 0.4 और ब्रेक इन पॉइंट कितना आएगा, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 10 लाख डिवाइड बाई 0.4 दैट इज 25 लाख। चलो क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। सो अगर फिजिकल एबिलिटीज कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे उनकी जॉब्स को एलोकेट किया जाता है तो उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहा गया है कि अगर आप पॉइंट ऑफ परचेस मशीनरी लगाते हैं तो उससे लोगों के परचेस में कितना चेंज आता है, तो उसको चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। आंसर क्या होगा इसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, तो इसमें से कौन सा फॉर्मर स्ट्राइक नहीं है, तो देखिए इसमें से घेराव जो है फॉर्मर स्ट्राइक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, सो यहाँ पे असेट रिलेटेड कॉन्वेनेंट कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पे पहला दे रखा है मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, मेंटेन करने को बोला गया तो ये तो असेट रिलेटेड कॉन्वेनेंट है ही नहीं कहीं से। या दूसरे में बोला गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्प्यूजल ऑफ प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, येस। रेस्ट्रिक्शन ऑन क्रिएशन ऑफ फर्दर चार्ज ऑफ असेट, येस। बैन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स विद लेंडर्स कॉन्करेंस, तो इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कंपनी अपने केवल प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, उससे कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा इस पे फोकस नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉई एंड एंटरप्रेन्योर इज फ्री एंड लीडर टू द ऑपरेशन, तो इसका यह स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, सो अगर पी ऑफ एट मेच्योरिटी लॉन्ग कॉल बिलो द स्ट्राइक प्राइस, इसका आंसर गिवन है 0। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखिए द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिजाइन टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप चेक किया जाता है कोरिलेशन के अंदर, तो इसका आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, 72 में बोला गया पीएलसी के कुछ कैरेक्टर्स बोले गए हैं। देखिए पीएलसी के अंदर क्या होता है, पीएलसी में कई सारे स्टेजेस होते हैं और हर एक स्टेज पे अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस होते हैं, तो यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोला गया है कि हर एक स्टेज पे कंपनी की पोजिशनिंग एंड डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए, तो यस ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, फाइन स्पेशलिटी स्टोर फॉल इनटू हाई मार्कअप एंड लो वॉल्यूम, देखिए हाई मार्कअप होता है क्योंकि वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रखते हैं और सेल्स वॉल्यूम कम रहती है उसकी, क्योंकि स्पेशलिटी गुड्स हैं वो। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो किस टाइप के गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा, तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे कुछ मार्केट के फॉर्म्स दे रखे हैं और उसके कैरेक्टर्स बताने हैं आपको, तो फर्स्ट का है थर्ड, सेकंड का है फोर्थ, थर्ड का है फर्स्ट एंड फोर्थ का है सेकंड, सो आप मैच कर सकते हैं यहाँ से अपने आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, देखिए कौन सा ऐसा किसने सेंटर फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ये किसने स्टार्ट किया है, तो इसको स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है हमें, तो ए का है यहाँ पे सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का है थर्ड और डी का है फोर्थ, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए, देखिए ऑल आइडियाज आर अपॉर्चुनिटी, ये रॉन्ग है, और एन अपॉर्चुनिटी इज आइडिया दैट हैज क्वालिटी ऑफ बीन अट्रैक्टिव, येस, ड्यूरेबल एंड टाइमली, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 79, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो यहाँ पे देखिए ए का आंसर है सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का है फोर्थ एंड डी का है थर्ड, तो आप मैच कर सकते हैं यहाँ से आंसर अपने। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, सो यहाँ पे बोल रखा है द इनकम और गेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकंड बेस्ट यूज, देखिए सेकंड बेस्ट यूज के नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, सो यहाँ पे बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिडेट इनफॉर्मल प्रोसीजन टू बॉयकॉट चाइना इंपोर्टेड गुड्स, देखिए चाइना के इंपोर्टेड गुड्स को हम बॉयकॉट नहीं कर सकते किस रूल के बेसिस पे, सो यहाँ पे होता है नेशनल ट्रीटमेंट रूल। नेशनल ट्रीटमेंट रूल का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट को भी हमें ट्रीट करना पड़ेगा, हम उनके साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते या बायसनेस नहीं कर सकते, सो यहाँ पे आएगा थर्ड एज पर WTO एग्रीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, तो इसका भी मैचिंग करना है हमें, तो देखिए इसमें फर्स्ट का है फर्स्ट, सेकंड का है सेकंड, थर्ड का है फोर्थ एंड फोर्थ का है थर्ड, सो आप यहां से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, MSME की क्रेडिट रेटिंग के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, तो परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम लॉन्च की गई है। अगला 84, प्रोडक्ट लाइन होता है
ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट होती है टोटल नंबर ऑफ आइटम अंडर ईच ब्रांड, और विड्थ ऑफ प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, एंड डेप्थ होता लेंथ होती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड्स इन द लाइन। चले 85 क्वेश्चन एनटीए ने रिमूव करवा दिया है कुछ मिस्टेक की वजह से। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस किस चीज़ में हेल्प नहीं करता, तो ये हायर सोशल स्टेटस में हेल्प नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए यहाँ पे बोला गया कि कुछ फ्रेंड्स के थ्रू सर्वे कराया गया और उनको बोला गया कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें इन्वॉल्व करिए सर्वे कराने में। सो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया गया था, तो नेटवर्क सैम्पलिंग को बोला जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, मिस्टर एक्स ने कैलविन क्लेन को पे किया फॉर यूजिंग इट्स ब्रांड, तो इसको किस टाइप की ब्रांडिंग बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं लाइसेंस ब्रांडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सर्विंग मिडल मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम मिडल मैनेजर्स के लिए कौन सी होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, सो अ रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस इज एसेंशियल एंड इंटीग्रल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी में रेडिकल हमें रीडिजाइन करना पड़ता है, तो इसमें टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में करना होता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, तो यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो देखिए इसमें ए का है फोर्थ, बी का है थर्ड, सी का है फर्स्ट एंड डी का है सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 इसके अंदर भी मैच कर लेते हैं, इसमें ए का है सेकेंड, बी का है थर्ड, सी का है फर्स्ट एंड डी का है फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, 93 में बोला गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कौन सा मैकेनिज्म नहीं गिवन है फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट, सो देखिए यहाँ पे कलेक्टिव मैकेनिज्म, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मैकेनिज्म नहीं गिवन है डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, सो इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कौन बनाता है, तो इसको बनाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो कैश मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हेल्प करता है और मूवमेंट ऑफ कैश को डिस्क्लोज करता है, तो इसका आंसर है AC and D, एक्सटर्नल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो हेल्प नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कल्चर इज कम्युनिटी प्रेफरेंस ऑफ सम स्टेट ऑफ लाइफ एंड सम ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ डीलिंग विद बेसिक कंसर्न ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो यस ये करेक्ट है। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में एम्प्लॉय को कैसे बताया जा सकता है, स्टोरीज के थ्रू, लैंग्वेज, रिचुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पे आउट, रूल्स एंड पॉलिसीज के बेसिस पे, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, तो इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया का शेयर कितना रेज करने की कोशिश की गई है इन 2015 से 20 के पॉलिसी के अंदर, तो इसको 3.5 का टारगेट बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, मनी स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ मोटर कार, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टर्स पूछे गए हैं, तो उसके अंदर ये देखिए वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो कंटिन्यूस है, फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, स्क्यूड नहीं होता है ये, और एक्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to infinity, यस देखिए एक्सपोनेंशियल कुछ इस टाइप का दिखता है। चलिए तो इसका आंसर है B and D। क्वेश्चन नंबर 100, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, हमने देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा BXY into BYX, देखिए ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट करके निकाला जाता है। सो ये क्वेश्चंस थे, हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आप दिसंबर अटैम्प्ट देने का सोच रहे हैं और कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्विज अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉमर्स और HR की आंसर शीट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम जल्दी उसके आंसर शीट प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू।